MIUI 12 अपडेट करने के बाद आपका कंट्रोल सेंटर या स्टेटस बार या कंट्रोल पैनल या नोटिफिकेशन बार इस तरह का आईफोनिक लुक के साथ आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये एक ग्लिच है, इसको आपको पर्सनली जाके इनेबल करना होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो नो मोर वेस्ट ऑफ टाइम, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले नेता टाइप आधा काम मत करे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में देखिए लाइक बटन है उसको आप दबा दे। तो देखा गया है दोस्तों MIUI 12 अपडेट आने के बाद भी Mi Xiaomi डिवाइस के ऊपर इस तरह का कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल पैनल का लुक नहीं आ रहा है, जो कोई कोई कह रहा है इसको आईफोनिक लुक है दोस्तों। तो ये आईफोनिक कंट्रोल पैनल लुक या कंट्रोल सेंटर लुक को लाने के लिए आपको सिंपली सेटिंग सेक्शन में जाना होगा, इसलिए आपको ऐप ड्रॉयर जाना होगा। यहाँ देखिए सेटिंग सेक्शन, तो जब भी आप सेटिंग सेक्शन में जाते हैं नीचे आपको स्क्रॉल करके डिस्प्ले ऑप्शन में आना होगा। जब भी आप डिस्प्ले को इस तरह दबाएंगे आपको ढूंढना होगा स्टेटस बार, यहाँ देखिए है स्टेटस बार। यहाँ देखिए बहुत से ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, यहाँ देखिए यूज न्यू कंट्रोल पैनल। जब भी आप इसको इस तरह डिसेबल कर देंगे देखिए आपका स्टेटस बार या कंट्रोल पैनल इस तरह का दिखेगा। जब भी आप इसको इस तरह एनेबल कर देंगे तो ये देखिए आईफोनिक लुक के साथ ये विजिबल हो चुका है। तो होप दोस्तों ये ट्रिक को अप्लाई करके आप किसी भी Xiaomi Mi डिवाइस में जिसके ऊपर MIUI 12 अपडेट आ चुका है उसमें आप इस कंट्रोल पैनल को इस तरह का लुक के साथ देख सकते हैं, तो सिंपली इस सेटिंग को फॉलो करें। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए भाई, इस तरह का इन्फॉर्मेशन लेके और कोई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए भाई।